हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हर्निया के बारे में। हर्निया होता है वो कॉमन बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, बच्चों में भी दिखता है और जेंट्स और लेडीज सब में दिखता है। हर्निया होता है वो पर्टिकुलर एरिया में होता है, जैसे कि इंग्यूनल एरिया है, अम्बेलिकल एरिया है, एपिगेस्टिक है, उसमें सब में को दिखने को मिलता है। बहुत सब टाइप के हर्निया होते हैं, इंग्यूनल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, अम्बेलिकल हर्निया, बहुत सारे टाइप होते हैं। इंग्यूनल हर्निया मोस्ट कॉमन जेंट्स में दिखने को मिलता है, जैसे कि ये हमारा पेट है, ये हमारा पेट का भाग है पूरा, और ये दोनों ड्रॉप दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्यूनल एरिया और ये बोलते हैं अम्बेलिकल एरिया। तो जेंट्स में कॉमन ये इंग्यूनल एरिया में हमको हर्निया देखने को मिलता है। जब भी हर्निया होता है तभी क्या होता है, हमारे पेट के अंदर पहले चमड़ी आती है, फिर उसके बाद मसल आता है और उसके बाद हमारी आंत आती है। तो जनरली जो हमारी आंत होती है वो दूसरी लेयर मसल के बीच में से निकल कर चमड़ी के नीचे के भाग में आ जाती है और हमारे पेट के अंदर एंगुलर एरिया में हमको फूला फूला जैसा लगता है, गठान जैसी लगती है, जिसको हम हर्निया बोलते हैं। जनरली देखें तो मैं समझाऊँ तो ये हमारा पेट है, ठीक है, ये पेट का लेयर है चमड़ी वाला, और इसके नीचे देखें तो ये वाला लेयर है, ये हमारी मसल का लेयर है, और इसके पीछे हमारी आंत आती है। तो हर्निया में क्या होता है, जनरली जो हमारी पीछे वाली आंत होती है वो ये दिख रहा है, ये वाला है इंग्यूनल एरिया, उसमें से आंत बाहर आके मसल लेयर में के बाहर आके चमड़ी के नीचे चली जाती है। क्यों मैं समझाऊँ तो जनरली ये समझ लो कि ये मेरी पेन है, वो मेरी आंत है पेट की, वो जनरली ये एरिया से लेके इंग्यूनल एरिया से लेके ये मसल लेयर को क्रॉस करके बाहर आ जाती है, जिसको हम हर्निया बोलते हैं, जिसके कारण हमारा जो पेट होता है उसके अंदर हमको सूजन जैसा महसूस होता है, ये वाला, जिसको हम हर्निया बोलते हैं। जनरली क्या होता है, ये हमारे मसल में छोटी छोटी ओपनिंग तो होती ही है, लेकिन जनरली कोई जिम में जाता है, ओवर लिफ्टिंग वेट करता है, तभी बार बार प्रेशर आने के कारण ये जो हमारी ओपनिंग होती है वो दो तीन साल में धीरे धीरे प्रेशर आने के कारण ओवर वेट लिफ्टिंग के कारण ये बड़ी हो जाती है और यहाँ से आंत बाहर आ जाती है। ये प्रॉब्लम जो जिम में जाती है वो सपोर्टिव बेल्ट यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी चीज़ की जिसको लंबे समय से खांसी का प्रॉब्लम है, जिसको खांसी ठीक ही नहीं हो रही, उसको भी ये ओपनिंग बड़ी हो जाती है और धीरे से इसमें से आंत बाहर आ जाती है, ये प्रॉब्लम रहती है। तीसरी चीज़ रहती है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोगों को मसल कमज़ोर हो गए होते हैं, तो उसके कारण जो ओपनिंग का सपोर्ट है वो भी कमज़ोर हो जाता है, इसके कारण आंत बाहर आ जाती है, जिसको हम हर्निया बोलते हैं। चौथी चीज़ होती है जिसको कब्ज का प्रॉब्लम है, जो घंटों तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं और प्रेशर करते रहते हैं, उसको भी ये प्रेशर के कारण भी आंत हमारी बाहर आ जाती है और वो मसल लेयर के अंदर से बाहर आके चमड़ी के नीचे के भाग में जमा हो जाती है। फिर चौथी चीज़ है जो स्मोकिंग करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसके कारण भी हर्निया हो सकता है। उसका रीजन है स्मोकिंग के कारण जो हमारा ये ओपनिंग होता है छोटा सा, उसके चारों ओर और कोलेजन प्रोटीन आता है, जो स्मोकिंग करते हैं उसके कारण जो कोलेजन प्रोटीन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण हमारा ओपनिंग का सपोर्ट कम हो जाता है और उसके कारण हमारा ओपनिंग धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसके कारण भी हमको हर्निया हो सकता है। और पांचवा कारण होता है कि जिसको कंजनाइटल एबनॉर्मालिटी है, मीन्स जिसको पहले से ही ओपनिंग बड़ा रहता है जन्म के साथ ही, उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसके लक्षण क्या दिखते हैं हमको, जनरली देखें तो ये होने पर हमको बाहर से गठान जैसा महसूस होता है, भारीपन जैसा महसूस होता है, खड़े और चलने पर हमको अनकंफर्टेबल होता है, कभी कभार ये कंप्लेन बढ़ने के कारण हमको उल्टी जैसा मन करना, उल्टी हो जाना, बुखार आना, ऐसा भी इन्फेक्शन के कारण लगता है और दर्द भी होता है। ये सब तकलीफ होने पर बढ़ने पर बनता है। कभी कभार क्या होता है कि हर्निया होता है जब हम सोते हैं तभी ये दिखता नहीं है, लेकिन हम खड़े होते हैं या बैठते हैं तो उसके कारण हमको ये गठान जैसा और खांसी करने पर भी गठान होना ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जब सोते हैं तो जो हमारी आंत का भाग होता है
एक खड़े रहे तो आंत बाहर आती है प्रेशर के कारण, सो जाते हैं तो हमारी आंत नीचे बैठ जाती है, उसके कारण हमारा आंत का भाग दिखता नहीं है सोने के, उसको हम बोलते हैं कि रिड्यूसिबल हर्निया, जिसके कारण खड़े और चलने पर दिख जाता है और सोते टाइम वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन आपको इसमें मेन सिम्टम तो यही याद रखना है, बाहर से गठान जैसा फूला हुआ लगना, भारीपन लगना और अनकम्फर्टेबल इजीनेस लगना, ठीक है। ये तकलीफ इमरजेंसी कब हो जाती है, जब हम सोते हैं और ये गठान जैसा और गुब्बारा जैसा नीचे बैठता नहीं है और वो भी दिखने लगता है और खड़े होने पर भी दिखने लगता है, 24 घंटे रहता है, तभी ये तकलीफ इमरजेंसी हो सकती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लंबे समय तक हम इसको डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो हमारी आंत होती है वो बीच में फंस जाती है, जिसके कारण जो हमारा आंत ब्लॉक होने का चांस रहता है तो वो एक तकलीफ वाला बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें जनरली देखें तो ये तकलीफ कैसे दूर कर सकते हैं, तो वेट लिफ्टिंग कम करना है, पेट को जिम वाले लोग होते हैं उसको पेट को सपोर्ट बढ़ाना है, स्मोकिंग नहीं करना है, लंबे समय से खांसी आ रही तो डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। कोई वजन वाला काम नहीं करना है, जैसे बाल्टी उठाना है ऐसा कुछ नहीं करना है। ये प्रॉब्लम जनरली जो सीजर किए हुई लेडीज़ को कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि जो सीजर किया हुआ है वो भाग के मसल कमज़ोर हो गए होते हैं, उधर टाँके लिए होते हैं और वो टाँके वीक पड़ने के कारण भी कभी कभार ऐसा होता है। तो जनरली जो व्यक्ति को सीजर किया है, ऑपरेशन किया है, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, उसको जनरली वजन वाला काम नहीं करना चाहिए, 2-3 महीने तक कम से कम टाके को आराम देना चाहिए, जिसके कारण हमारा उधर फिक्सेशन जल्दी हो और स्नायु जॉइंट बराबर हो सकते हैं। दूसरा कारण कि इसमें कोई दवाई गोली कोई ट्रीटमेंट नहीं आता, उसका एक ही इलाज है कि आप ऑपरेशन कराओ। जब भी ऐसा हो जाता है आंत जो सोने पर भी बाहर दिखने लगती है और खड़े होने पर भी बाहर दिखती है, 24 घंटे दिखने लगती है, गुब्बारा जैसा लगने लगता है, तो आपको वेट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जितना बने होता है जल्दी ऑपरेशन करवाना चाहिए। लेकिन जब भी सोने पर ये बंद हो जाती है और खड़े और बैठने पर ये दिखने लगती है तो हमको इसका कोई जल्दी नहीं होता, लेकिन इसका ऑपरेशन तो फ्यूचर में करना ही पड़ता है, ठीक है। बस और तो कोई नया नहीं है।